हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा जारी है। नारनौल पहुंचे लोगों ने यात्रा का यहां जबरदस्त स्वागत किया। अब तक जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए सीएम मनोहर लाल दो तिहाई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। भाइयों बहनों, हमारी यात्रा 18 अगस्त को कालका विधानसभा से शुरू हुई थी और आज हमने 60 विधानसभाएं पूरी कर ली हैं। ये 61 विधानसभा में प्रवेश कर रहे हैं। दो तिहाई हरियाणा को किया है। अब हम लोग 90 की 90 विधानसभाएं का कवर करके और रोहतक में 8 सितंबर को यात्रा का स्वागत होगा, जिसमें अपने देश के सर्वोच्च नेता, कौन है सर्वोच्च नेता, मोदी जी खुद आकर के हमको आशीर्वाद देने वाले हैं। आपको आमंत्रण है कि आप सब भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोहतक पहुंचे ताकि उनके आशीर्वाद आशीर्वचन सुन सकें। भिवानी के लोहारू हलके में जब जन आशीर्वाद यात्रा पहुंची तो भारी भीड़ ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, सांसद धर्मवीर सिंह मौजूद थे। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई बबीता फोगाट भी यात्रा में पहुंची। लोहारू में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है उससे बीजेपी के नेता काफी गदगद हैं। मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वो लोगों से कहते हैं कि अगले 5 साल के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं और अगली सरकार भी हमारी बनी तो फिर विकास की योजनाओं को दोगुनी रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। R9 TV के लिए नांगल से गुलशन कुमार और भिवानी से जगबीर की रिपोर्ट।